नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियो का मकसद है सिर्फ चार्ट एनालिसिस करना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के जितने भी अंडरलाइंग स्टॉक्स होते हैं उसकी लिस्ट से मैं चार पांच स्टॉक्स आपको बताता हूँ, उसको मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ। क्या 30 मिनट्स या 1 आवर के पैटर्न्स में, मतलब टाइम फ्रेम में क्या चार्ट पैटर्न्स आ रहे हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उस टाइम उस स्टॉक्स के लिए उसकी थोड़ी सी मैं डिस्कस करता हूँ, और उसके साथ साथ किस लेवल के ऊपर जाते हुए वो एक्टिव हो सकते हैं या किस लेवल के नीचे जाते हुए वो सेल एक्टिव हो सकते हैं, वो ही इस वीडियो का मेन मकसद होता है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और मैंने एक नया चैनल खोला है टेक्निकल स्वागत करके, जो आपको मेरे चैनल इस चैनल के होम पेज पे मिल जाएंगे, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। टेक्निकल स्वागत करके नाम है, और बाकी जितने भी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पे है उसको देखो और इस सीरीज को फॉलो करते रहो जिससे आपको फायदा मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पांच स्टॉक्स की नाम बताऊंगा। अगर कल के वीडियो नहीं देखे, इससे पहले सीरीज की नहीं देखे तो मेरे वीडियोस को जाके देख लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेंगे। सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रू की बात करूंगा। देखिए आईसीआईसीआई प्रू एक पहले जो था वो एक हायर हाई हायर लो मेंटेन करके ऊपर जा रहा था, एक स्ट्रांग स्टॉक्स था। उसके बाद अब करेक्शन आ रहा है। ओवरऑल जो 15 to 20 days का जो एक इम्पल्सिव मूव था उसका एक अच्छी तरीके से करेक्शन आ रहा है। अगर एक करेक्शन फिर कंटिन्यू रहता है तो कल जो आज सुबह का आज जो लो था वो लगभग 495 के नीचे अगर सस्टेन कर जाएगा, 495 के नीचे अगर सस्टेन कर जाएगा तो 490 और 485 दो नीचे सपोर्ट है जहां तक वो फिर से लो लगाने आ सकते हैं और शार्प फॉल हो सकते हैं कल के लिए। ऐसे ऐसे प्रो अगर नीचे का ट्रेंड लाइन अगर टूट जाए और 490 के नीचे वो सस्टेन हो जाए, सॉरी 495 के नीचे सस्टेन हो जाए तो और भी खराब हो सकता है, 496 या 495। अगर ऐसा नहीं हुआ, अपर जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर अगर वो ब्रेक करके चले तो अप टू 505 से 510 तक वो हाई लगा सकते हैं। एक छोटी सी एक ट्रायंगल पैटर्न्स में है जो एक डाउनवर्ड्स में है, तो ऊपर अगर 500 के ऊपर टूट जाता है या आप कह सकते हो सबसे अच्छा है 501 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो 505 से 510 तक इसके हाई लग सकते हैं कल। सो आईसीआईसीआई प्रू को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक्स अंबुजा सीमेंट्स, थोड़ी सी स्लो एंड स्लैक काउंटर है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहे हैं इसमें आपको दिख रहा है 30 मिनट टाइम फ्रेम में। सो ऊपर अगर टूटे तो आपको देखना है 202 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन करे, 202 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो 204 रुपए 205 रुपए के रेजिस्टेंस है, छोटी रेजिस्टेंस है जहां तक वो ले जा सकता है। इनिशियल टारगेट 204 ही रखिए, वहां तक वो जा सकते हैं। ऐसा अगर नहीं हुआ तो नीचे का जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर टूट जाए तो आपको देखना है कि लगभग 200 रुपए के नीचे अगर सस्टेन करे 200 के नीचे तो 199 आपका पहला टारगेट होगा, उसके बाद और भी नीचे आ सकता है और लगभग 197.50 तक ये नीचे सपोर्ट लेते हुए आ सकते हैं। मगर थोड़ी सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उतना जोर नहीं दे रहा हूं अंबुजा सीमेंट्स में, फिर भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक्स इक्विटस है। इक्विटस पे आप जो देख पा रहे हो जो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न छोटे से बने हैं, उससे पहले एक इम्पल्सिव डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद वो अपने एक रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे एक करेक्शन ले रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है। एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद वो अपना टाइम वेस्ट करेक्शन चल रहा है। सो नीचे अगर ये बेस लाइन टूट जाए जो लगभग 88 के नीचे अगर सस्टेन कर जाएगा 88 के नीचे तो ये और भी नीचे आ सकते हैं, इवन बहुत शार्प फॉल आउट हो सकते हैं, 85 तक या 84 तक इसके लो लग सकते हैं। मगर इनिशियल पहला टारगेट आप 86 रखिए, उसके बाद आप 84.50 रखिए, और भी नीचे आ सकते हैं क्योंकि हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स है ये। एक दिन में 5-7% नीचे जाना या ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऊपर का ट्रेंड लाइन अगर टूट जाए तो ध्यान रखना है कि 90 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, तो 91 से 92 के आसपास हाई पहला लगा सकते हैं। 91 से 92 के बीच में आप मान के चलिए 91.50 के हाई मैक्सिमम अभी एक झटके पे लगा सकता है, उसके बाद अगर चलेगा तो 93 तक ये हाई लगा सकता है। सो इक्विटास को भी आप अपने लिस्ट में रखिए जो डिसेंडिंग पैटर्न्स बन के चल रहे हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करूंगा जो जिंदल स्टील है। जिंदल स्टील्स में आप देख सकते हो जो प्रीवियस एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बने थे उसको ब्रेकआउट करके नीचे
इसने बंद किया है। सो आज का जो लो है उसके नीचे अगर चलेगा, या हम कह सकते हैं 134 के नीचे या 134 के नीचे अगर चलता है और सस्टेन करता है नीचे, 134 के 134 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो अप टू 129 नीचे आ सकता है, अप टू 129। सो इनिशियल टारगेट आप 131 या 132 का पहला टारगेट रखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आप 130 से 129 तक रख सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऊपर बाउंस मिले तो ऊपर अगर बाउंस मिलेगा तो ये डेफिनेटली 140 तक ले जा सकते हैं और मैक्सिमम 143 तक ले जा सकते हैं। अगर मैं थोड़ी सी सेल बायस पे हूँ जिंदल स्टील्स पे, सो 135 के नीचे सस्टेन करने दीजिए तो 132 और 131 के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। सो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चार्ट एनालिसिस है, ये ध्यान रखते हुए आप खुद भी चार्ट एनालिसिस कर लीजिए। लास्ट स्टॉक्स SBI है, बहुत बेहतरीन स्टॉक से अप ट्रेंड बायस पे है और एक चैनल के अंदर बैठा हुआ है इस टाइम। अगर ऊपर ब्रेक हो गया और 333 के ऊपर सस्टेन कर गया, जैसे आपको दिख रहा है 333, एक बार मैं फिर से प्राइस देख लेता हूँ। यस, 333 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगा तो 338 से 339 का एक रेजिस्टेंस है जहां पे वो अपना हाई लगा सकते हैं। उसके बाद 343 इसकी शायद नेक्स्ट रेजिस्टेंस होंगे। यस, 343। सो 338, 343 दो रेजिस्टेंस आपके आसपास है, 333 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए तो चलेगा। नीचे के सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, ऊपर अगर ब्रेक करता है बेहतर होगा और थोड़ी सी देख लीजिए, क्योंकि ये अभी अगर ब्रेक भी करता है तो पहले टाइम पे नहीं जाएगा, तो थोड़ी सी सस्टेन करने दीजिए। सो 338 से 339 इनिशियल पहला टारगेट्स आपके होंगे। सो पांच स्टॉक्स के नाम बताया, SBI, ICICI प्रू, अंबुजा सीमेंट्स, इक्विटास और जिंदल स्टील्स, जो कल के शुक्रवार के मार्केट के लिए आपको रखना है और उसको वॉच करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।